नहीं होती हैं किसी पर बोझ बेटियां, नहीं होती हैं किसी पर बोझ बेटियां। सौभाग्यशाली होता है वो परिवार जिस परिवार में होती हैं बेटियां। एक महीने की बेटी को लिया है हमारे सोनू भाई उपलाना ने गोद, उस बेटी का भव्य स्वागत। अपने घर आगमन पर भाई ने किया है समस्त ग्रामवासियों को निमंत्रण दे करके। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी। बेटी को प्राप्त करने के बाद किस तरीके से वो भावुक हुए हैं सुनिएगा आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आइएगा लुक ले रहे हैं, खुशी याद सुए हैं। और ये था कि जैसे हमारे पास दो लड़के हैं और हमारी इच्छा थी कि भाई हमारे लड़की हो, तो भगवान ने ली सुनी, तो आज वो खुशी का दिल आया है कि आज हमारे घर बेटी आई है। और इतनी खुशी है कि मैं अपने मतलब की वर्ड भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इतनी खुशी है कि हमारे घर नन्ही परी आई है जो कि आज 28 दिन की हो गई है। और मेरे परिवार में भी खुशी का माहौल है, हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, गांव में भी हमने सभी को न्योता दिया है कि भाई हमारे घर खुशी आई है और आप सभी इस खुशी में शामिल हो। और हम बहुत खुशी है और जो गुड़िया का नाम रखा गया है वो सौभाग्य राजपूत है। और आज मतलब कि इतनी खुशी हो रही है कि हाँ, और हमारा सपना भी है कि हम इस छोटी सी नन्ही परी को डॉक्टर लाइन में लेके जाएंगे और ये होगा कि जितने भी गरीब हैं उनका फ्री में इलाज होगा आने वाले टाइम में। और ये हमारे उस पर पूरा उतरेगी, खरा उतरेगी कि एक दिन बड़े डॉक्टर बने। जय श्री श्याम। हमारे घर दो लड़के हैं तो हमें कमी महसूस होती थी कि हमारे घर भी एक लड़की होनी चाहिए। हम जैसे जब हमारी शादी, हम पहली बार अपनी कुल की देवी पे गए थे, वहां पे हमने मांगा था कि भी जैसे हमारा जो पहला बच्चा होएगा तो लड़की होना चाहिए। उसके बाद फिर लड़का हो गया जो कि अब 10 साल का है। उसके बाद फिर हम हरिद्वार गए, मनसा देवी पे हमने मन्नत मांगी कि हमारे घर एक सुंदर सी कन्या हो। तो तब भी मतलब कि फिर हमारा एक छोटा सा लड़का है वो मतलब कि 8 साल का है। फिर मैंने खाटू वाले से प्रेर की है, खाटू वाले अब तो बस सबर का बांध टूट चुका है, हमारे घर में कन्या आनी चाहिए। तो हमारी जो अंकल की लड़की है उनकी लड़की हुई थी, वहाँ हॉस्पिटल में हम गए, हमने बोला कि अगर लड़का होगा तो आपका है, अगर लड़की होगी तो वो हमारी है। तो हमने उसी दिन खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से धागा बांध दिया था और आज हम उसको लेके आए अपने घर पे। पापा ने मेल कर दिया। हाँ जी, खाटू श्याम की बहुत कृपा है। और वो मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि खाटू वाला मतलब कि एक बार बस उनको कहने की वो है, वो सब इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं। और आज इतना खुशी का माहौल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना खुशी का माहौल है। लड़की भाग्य से मिलती है और हमने आज वो भाग्य प्राप्त कर लिया है। और ये हमारी गुड़िया है और ये हमारे जीजासरी हैं। मेरे से ज्यादा तो जैसे हमने गुड़िया इनसे ली है तो इनका भी देखो आप, ये मतलब कैसे अपने मतलब कि दिल पे पत्थर रख के जिगर का टुकड़ा आज हमारे को दिया है। और इनको भी पूर्ण विश्वास है कि ये भी हमारे से ज्यादा मतलब कि इसकी प्रोग्रेस करेंगे कि एक दिन हमारी सौभाग्य राजपूत बड़ी होकर डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करें। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी।